नेता, देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, एदल सिंह कंसाना जी, बनवारी लाल शर्मा जी, हीना कावरे जी, हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष राकेश मवई जी, संसद में रहे हुए मेरे साथी बाबूलाल सोलंकी जी, हमारे मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जी, बैजनाथ कुशवा जी, रघुनाथ कंसाना जी, गिरिराज डंडोटिया जी और हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार, केवल कांग्रेस के उम्मीदवार ही नहीं पर ये कमलनाथ के प्रतिनिधि बनके आपकी सेवा करेंगे, हमारे राम निवास रावत जी, सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और नौजवानों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी कड़ी धूप में आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए, आपने कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया। एक और धन्यवाद के आप पात्र हैं, मुरैना ने कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में 5 महीने साढ़े 4 महीने पहले 6 सीटें दी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने 6 सीटें दी, आपने कांग्रेस के सिद्धांत, कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस का इतिहास, उसका सम्मान किया, आपने सच्चाई का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, आपने सच्चाई का साथ दिया। तस्वीर आप सबके सामने आज भी है, आज क्या तस्वीर है, 15 साल बाद 125 दिन पहले कांग्रेस की सरकार बनी, मोदी जी के 5 साल बाद, और कैसा प्रदेश हमें भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा, एक ऐसा प्रदेश जो किसानों की आत्महत्या में पूरे देश भर में नंबर 1, बेरोजगारी में पूरे देश भर में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी, हमने वचन दिया था कि हम कृषि क्षेत्र में एक क्रांति लाएंगे, राहुल गांधी जी ने आदेश दिया था कि हम किसानों को राहत पहुंचाएं, हमने 75 दिनों में अपनी नीति और नियत का परिचय दिया, कर्जा माफ की कार्रवाई शुरू हुई और मध्य प्रदेश के 47 लाख किसानों में से 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, और हम वचनबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है, हम मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, केवल डिफॉल्टर का नहीं, जिनका चालू खाता है उनका भी हम कर्जा माफ करेंगे। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लग गई, रोक रुकावट हुई और शिवराज सिंह जी चिल्ला रहे हैं कुछ नहीं हुआ, मुझे शिवराज सिंह जी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनका प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, मुझे तो मध्य प्रदेश के किसानों का प्रमाण पत्र चाहिए, मध्य प्रदेश के किसानों का सर्टिफिकेट चाहिए। हम वचनबद्ध हैं कि इसकी शुरुआत होगी। शिवराज सिंह जी, आपने 15 साल झूठ बोला, 15-20 दिन और झूठ बोल लीजिए। आप तो जगह जगह कहते थे मैं तो किसान का बेटा हूं, याद है, कहते थे कि मैं किसान का बेटा हूं। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, आप कैसे किसान के बेटे हैं, कौन सा न्याय आपने किसान को दिया, आपने कौन सा कर्जा माफ किया, आपने तो किसान के पेट में मारी गोली, पेट में मारी लात और छाती में मारी गोली, ये, और आप कहते हैं आप किसान के बेटे हैं। आज बहुत बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की है,
बहुत बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। हमारा नौजवान हमारे प्रदेश का भविष्य है, हमारा प्रदेश का निर्माण करेगा, हमारा मुरैना का निर्माण करेगा। और आज का नौजवान जिसकी अपनी सोच है, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज का नौजवान जो इंटरनेट से जुड़ा है इसकी दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, आज का नौजवान कोई कमीशन नहीं चाहता, आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका चाहता है या अपने हाथों को काम चाहता है। ये हमारे नौजवानों की तड़प है। पर पिछले पंद्रह सालों में मध्य प्रदेश में दित्ते उद्योग खुले नहीं, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। और मोदी जी के बारे में मैं क्या कहूं, यादव मोदी जी क्या नारे दिया करते थे, बड़े बड़े विज्ञापन, बड़ी बड़ी फोटो, कितने नारे दिया करते थे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, नौजवानों याद है ना, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया। आज कोई है या जो स्टैंड अप इंडिया या डिजिटल इंडिया वाला हो? किस प्रकार मोदी जी ने हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। कैसे कहते थे मोदी जी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो मोदी जी से कहता हूं 20 नाम बता दीजिए जिनको मुरैना में रोजगार मिला हुआ होए। आपने तो सबसे बड़ा धोखा जो दिया है हमारे नौजवानों को दिया है। और मोदी जी की क्या बात करूं, याद है कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ रहे हैं, चिल्लाते रहते थे। आज ये अच्छे दिन की बात नहीं करते, आज मोदी जी अच्छे दिन की बात नहीं करते, आज तो अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं मोदी जी नहीं कहते, आज तो जनता चिल्ला रही है मोदी जी आखिरी दिन आ रहे हैं, आखिरी दिन आ रहे हैं। और क्या क्या कहें मोदी जी के बारे में, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा था। कहते थे मैं गंगा साफ करूंगा, शिवराज कहते थे मैं नर्मदा साफ करूंगा। शिवराज सिंह ने 600 करोड़ रुपए की योजना बना दी नर्मदा साफ करने में। मैं गया देखने के लिए कि 600 करोड़ रुपए का वृक्षारोपण होता क्या है। इतना बड़ा घोटाला, 1 करोड़ रुपए का वृक्षारोपण नहीं, 600 करोड़ रुपए का घोटाला। और मोदी जी जो आप कहते थे गंगा साफ करेंगे, गंगा तो साफ हुई नहीं, आपने तो बैंकों को साफ कर दिया। और जिसकी नियत नहीं साफ वो क्या गंगा साफ करेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूं, तस्वीर आप साहब के सामने है, 12 तारीख को ये तंबू नहीं रहेगा, ये झंडे नहीं रहेंगे, ये पोस्टर बैनर और ये भाषण नहीं रहेंगे। 12 के बाद 13 तारीख भी आएगी, 13 तारीख आएगी 12 के बाद, 12 को आप जो बटन दबाएंगे, आप हमारे रामनिवास जी का तो बटन दबाएंगे, आपको समझाने की जरूरत नहीं, पर सबसे बड़ी चीज आप भविष्य का बटन दबाएंगे। और ज्यादा ना बोलते हुए आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जब आप अपने भविष्य का बटन दबाएंगे, मुरैना जिले की के भविष्य की जिम्मेदारी कमलनाथ लेते हैं। हम विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। यहाँ आपके चक्कर फैक्ट्री की बात होए, आपके कॉलेज, पानी, जिसकी भी बात होए, कमलनाथ जिम्मेदारी लेते हैं। और रामनिवास जी तो दिल्ली जाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, वो तो आपकी सेवा करेंगे, भोपाल मुरैना को नहीं चलाएगा, मुरैना भोपाल को चलाएगा। और हम विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, सच्चाई अपने सामने रखिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा, और फिर से इतने सालों बाद हमारे मुरैना का कांग्रेस का झंडा हमारे देश की संसद में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।